ऐसे कैसे हो सकता है? अगर राहुल का खून विक्रम ने किया है तो विक्रम की गाड़ी पर राहुल की उंगलियों के निशान कैसे आ सकते हैं? करेक्ट। और विक्रम और राहुल दोनों का खून एक ही समय पे हुआ है। और दोनों की लाशें पास पास नहीं बल्कि काफी दूरी पर थी। इससे साफ पता लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे का खून नहीं किया। अगर इन दोनों ने एक दूसरे का खून नहीं किया तो विक्रम की उंगलियों के निशान उस चाकू पर कैसे और राहुल की उंगलियों के निशान विक्रम की गाड़ी में कैसे? इंसान की उंगलियों के निशान किसी चीज पर तभी आते हैं जब वो उस चीज को छूता है। मतलब राहुल ने विक्रम की कार को हाथ लगाया था? बिल्कुल लगाया है, तभी तो उसकी उंगलियों के निशान उस गाड़ी में हैं। और विक्रम ने उस चाकू को हाथ लगाया होगा? यकीनन। लेकिन अगर विक्रम की मौत पहले हुई है तो जो राहुल के सीने में खंजर था उस पे विक्रम की उंगलियों के निशान कैसे थे? और अगर राहुल की मौत विक्रम से पहले हुई है तो फिर विक्रम की गाड़ी पर राहुल की उंगलियों के निशान कैसे आ सकते हैं? अब तक तो मैं सोच रहा था कि ये काम हाईवे की लुटेरों का है, लेकिन नहीं, ये तो किसी सीरियल किलर का काम है और उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पर ये विक्रम इतनी रात को करने क्या गया था? ये बात तो राहुल पे भी लागू होती है। अगर वो वहां नहीं जाता तो वो भी शायद आज जिंदा रहता। नहीं एकांश, विक्रम और राहुल एक दूसरे को पहले से जानते थे और उस रात वो दोनों वहां पर मिले, इस बात का सबूत अब उन दोनों की बीवियां हमें देंगी। संभालो अपने आप को। अच्छा सुनो, तुम्हें ये दवाई खानी है, मना मत करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐश्वर्या प्लीज दवाई खा लो, दवाई तुम्हें खानी पड़ेगी। नहीं चाहिए मुझे। ऐश्वर्या तुम्हें मेरी कसम। आप? जी हम। माफ कीजिए, आपको थोड़ी तकलीफ देने आए हैं। इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। ऐश्वर्या जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट क्या आप इसे जानती हैं? देखिए आप किस गौर से देखिए, इसका नाम विक्रम है। विक्रम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बात क्या है और ये विक्रम कौन है? विक्रम का खून हुआ है। क्या? देखिए देखिए, आप इसे परेशान मत कीजिए, ये वैसे ही बहुत परेशान है। उसे चाकू से मारा गया था। तो इस इंसिडेंट का इस बात से क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि यही बता सकते हैं कि एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था। क्या? जिस चाकू से राहुल का खून हुआ था उस पर विक्रम की उंगलियों के निशान थे। क्या इसका मतलब विक्रम ने राहुल का खून किया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। कौन है ये विक्रम? विक्रम की लाश वहीं मिली जहां पे हमें राहुल की लाश मिली थी। ऐश्वर्या प्लीज संभालो अपने आप को, रिलैक्स। एक बात बताइए, अगर राहुल का खून विक्रम ने किया है तो फिर विक्रम का खून किसने किया है? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या आप बता सकते हैं कि उस रात एक्सीडेंट कैसे हुआ? उस रात राहुल गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, एकदम से सामने से एक ट्रक आई और राहुल ने जोर से ब्रेक मारी और मेरा सर सामने जाके टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जब आप बेहोश थी तब आपको कोई आवाज या कोई फुटस्टेप्स या कोई चीखने चिल्लाने की आवाज कुछ याद है? देखिए प्लीज, ये बड़ी मुश्किल राहुल की मौत के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। आप प्लीज इसे और ज्यादा ट्रबल ना करें, यहाँ से चले जाइए, फॉर गॉड्स सेक। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आइए बैठिए। आप लोग? मिसेस खन्ना, हम स्पेशल टास्क फोर्स से हैं। जी कहिए।
बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आपके पति मिस्टर विक्रम खन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मतलब? मुंबई नासिक वाले हाईवे पर किसी ने उनकी हत्या कर दी। रात को जब वो ड्राइव कर रहे थे करीबन 10:15 के बीच, तब उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो दहीसर टोल नाका क्रॉस कर चुके हैं और 3:30 घंटे में नासिक पहुंच जाएंगे। फिर अचानक उनका फोन कट गया। क्या इसी फोन पर उनका कॉल आया था? हाँ। इस फोन से तो आंसरिंग मशीन लगा हुआ है। अपनी तहकीकात के लिए क्या हम ये आंसरिंग मशीन ले जा सकते हैं? जी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी अभी टोल नाका क्रॉस किया हूँ। 3:30-4 घंटे में नासिक पहुंच जाऊंगा। तुम एक काम करो, खाना खा के सो जाओ। सुनो, मैं तुम्हें एक मिनट में फोन करता हूँ। स्टॉप, रिवाइंड, प्ले। स्टॉप, रिवाइंड, प्ले। ये आवाज क्या है? रिवाइंड, प्ले। ब्रेक लगने की आवाज है, गियर न्यूट्रल होता है, उसके बाद कोई शीशे पे नॉक करता है और ये शीशे पे मेटल के टकराने की आवाज लगती है। लाइक कड़ा रिंग भी हो सकती है, घड़ी, यानी हाथ पे पहनी गई कोई चीज। बिल्कुल सर, ये आवाज गाड़ी के ब्रेक लगाने के बाद आई थी। इसका मतलब विक्रम ने किसी को देखकर गाड़ी रोकी, वो आदमी गाड़ी के पास आया, उसने गाड़ी का शीशा खटखटाया और उसी दौरान उसकी घड़ी, ब्रेसलेट या अंगूठी शीशे से जा टकराई। एंड दैट्स व्हाई दैट नॉइस। इसका मतलब ये खूनी पहले लोगों से लिफ्ट मांगता है, उसके बाद उनका खून कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये जो कोई भी हो, ये हाईवे तक पहुंचता कैसा होगा? आई मीन, या तो खुद की गाड़ी में, या बस में, ट्रेन में, या रिक्शे में। हाँ, ये विक्रम की लाश हमें टोलनाका से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे वो सूरज वाटर पार्क के पास मिली थी ना? बट सर, फोन पर ये बातचीत टोलनाके के तुरंत बाद हुई, जैसा कि उसने कहा। इसी समय खूनी गाड़ी में बैठा होगा। अब अगर खूनी अपनी गाड़ी में आया है तो विक्रम का खून करने के बाद वो रात के घुप अंधेरे में हाईवे पर 10 किलोमीटर पैदल चलकर वापस जाएगा अपनी गाड़ी तक? मुझे तो नहीं लगता। सर, तो फिर बात साफ है, वो जरूर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया होगा, ट्रेन, बस या फिर रिक्शा। इससे पहले वो किसी और को मारे, तुम दोनों एक काम करो, आसपास के सभी टैक्सी स्टैंड, बस स्टेशन पर जाकर तहकीकात कर। अरे भाई सर, जरा सोच के बताइए, क्या परसों रात को आपने दहीसर चेकनाके के आसपास अपने किसी भी पैसेंजर को उतारा था? मैडम, 3 दिन से हम लोग का हड़ताल चल रहा है, हम लोग तो ऐसे बैठे हैं। सुनिए भाई साहब, क्या परसों रात को आप लोगों की बस में कोई ऐसा आदमी चढ़ा था जिसकी बातों या हरकतों में आपको कोई भी बात अजीब लगी हो? एक मिनट, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। एक औरत थी बुरके में। क्या तुम्हें उसकी कोई भी बात या हरकत अजीब लग रही थी? हाँ, अरे मैंने कई बार पूछा उससे कहाँ जाना है, लेकिन वो एकदम चुप। और तो और,
50 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया और वापस छुट्टे पैसे भी नहीं लिए। बुरके नहीं, बुरके में तो कोई आदमी भी हो सकता है। क्या उसके बाद तुमने उसे दोबारा देखा? हाँ, हाँ, जो मेरी बस में चढ़ी थी। कहाँ उतरी वो? घोड़बंदर रोड पर फाउंटेन होटल के पास, यही कोई 1-1.5 घंटे पहले। चलो। चाकू, ओह माय गॉड, हमने आने में देर कर दी। गैरी, गेट द एविडेंस बैग एंड टॉर्चेस। राइट। थैंक्स। हमें गुमराह करने के लिए उसने बुरके के साथ साथ लेडी सैंडल्स भी पहन रखे थे। ये देखो उसके फुटप्रिंट्स। जेरी, इसके पॉकेट में चेक करो। जस्ट चेक द एड्रेस। विकांत, ये तो जिंदा है। रियली? क्या? तो हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं तो अपनी कार से जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने मुझसे लिफ्ट मांगी। बूढ़ा आदमी? फिर? सर, वो बूढ़ा आदमी तो बहुत अजब सा निकला। सर, अगर ये उस आदमी को सही ढंग से बयान कर पाए तो स्केच आर्टिस्ट से उसका स्केच बनवा लेंगे। और कुछ? हाँ सर, वो आदमी बातें कुछ अजब तरीके से कर रहा था, जानबूझकर कर रहा था या अनजाने में, ये तो पता नहीं, लेकिन सर उसकी आवाज सर कुछ समझ में नहीं आई। क्यों, कैसी थी उसकी आवाज? सर, बोलते बोलते उसकी आवाज अचानक पतली हो जाती थी। पतली हो जाती थी मतलब? मतलब सर लड़कियों जैसी। कहीं वो आवाज बदल के तो नहीं बात कर रहा था? उससे क्या फर्क पड़ता, उसका मुंह तो छुपा हुआ नहीं था, उसका चेहरा तो तुम देख सकते थे ना? हाँ, चेहरा तो दिखाई पड़ रहा था सर, और कुछ लड़कियों जैसा भी लग रहा था सर। सर, मैं पहले से इतना घबरा गया था कि डर गया था कि कुछ समझ नहीं पाया। मुझे पूरा यकीन है, खूनी आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। कल रात हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ, वैसे ही जैसे राहुल का हुआ था, पर इस बार वो कार वाला बच गया, हमने उसे बचा लिया। पर अफसोस, वो खूनी हमारे हाथ से निकल गई। निकल गई? जी हाँ, निकल गई। अब तक हमें लगता था कि खूनी एक आदमी है, पर अब पता चला कि वो एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। औरत है? जी हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, ये सुष्मिता तुम्हारी क्या लगती है? वैसे तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन बहन से भी बढ़कर है। जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन आपने या आपके रिश्तेदार ने सुष्मिता को फोन किया था? शायद नहीं।
सुष्मिता को कैसे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ है? पता नहीं, इस वक्त सुष्मिता कहाँ होगी? शायद अपने घर पर होगी। जरा फोन लगाइए। उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। उसका लैंडलाइन नंबर तो आपके पास होगा ना? फोन लगाइए। जी। सही है, मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ सुष्मिता जी हैं? जी वो घर पर नहीं है, बाहर गई। कहाँ गई है? सेंट जॉन हॉस्पिटल। ओके थैंक यू। कहाँ गई सुष्मिता? के नौकर को नहीं पता। एकांश हमें चलना चाहिए। डॉक्टर नीना गुप्ता। आई एम सॉरी, डॉक्टर नीना तो किसी काम की वजह से आउट ऑफ इंडिया है। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, डॉक्टर कामिनी। डॉक्टर, वो लड़की अभी आपके रूम से गई है, उसके बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी थी। सुष्मिता जी, आई एम सॉरी, लेकिन हमारे पेशेंट के बारे में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर कामिनी, देखिए हम आपके कायदे की कदर करते हैं, मगर मजबूर हैं। तो क्या है कि पब्लिक की सुरक्षा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम यानी स्पेशल टास्क फोर्स। ओह आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज बी सीटेड। थैंक यू डॉक्टर। हम ये जानना चाहते थे कि सुष्मिता यहाँ क्यों आई थी। वो अपनी बहन अनीता की रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आई थी। अनीता बहन? जहाँ तक हमें मालूम है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भाई बहन नहीं। क्या आपने अनीता को देखा है? जी मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा है। हुआ क्या है उसकी बहन को? जी ये तो हम आपको नहीं बता सकते। डॉक्टर देखिए, हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ये स्प्लिट पर्सनालिटी की केस है। स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब स्किज़ोफ्रेनिया? जी हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया। एक ही इंसान में दो व्यक्ति, मतलब अनीता एक दोहरी जिंदगी जी रही है। एक तरफ वो फिल्मी दुनिया में काम करने वाली शर्मीली सी मेकअप आर्टिस्ट है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी लड़की है जो अपने बीते हुए कल को भूलने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में कई बार उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कुछ भी कर सकती है। खून भी कर सकती है? खून तो नहीं, लेकिन किसी को चोट जरूर पहुंचा सकती है। ये तभी होगा जब वो अपनी दवाइयाँ और काउंसलिंग बंद कर देगी। जब तक ये दोनों शुरू है उसे कुछ नहीं होगा। क्या वो ये जानती है कि वो ये सब कर रही है? जी नहीं। इसका मतलब है कि सुष्मिता जो खून कर रही है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता।